सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तेरा 10th क्लास और 12th क्लास दोनों की ही डेट सीट आज के आज रिलीज कर दी गई है। आज यानी कि 2nd ऑफ फरवरी को 5:15 बजे के करीब वो रिलीज कर दी गई थी। अभी मैं आप लोगों को मेन मेन सब्जेक्ट्स की डेट बता देता हूँ, 10th के और 12th के दोनों के ही, और सामने आप लोगों की वो PDF पूरी की पूरी चलेगी। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट्स की देखनी हो जिसके बारे में मैं नहीं बताऊँ, आप वहाँ पे रोक के देख सकते हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पे यार आप लोगों के लिए जो भी बच्चे जेई मेंस 2021 या फिर जेई एडवांस 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, स्ट्राइकर 2.0 बैच, जो कि कल स्टार्ट हो रही है 3rd फरवरी को। अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एमसी सर से पढ़ना चाहते हैं या अगर आप एनकेसी सर से पढ़ना चाहते हैं या अगर आप कोठारी सर से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पे दिख रही होगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग क्लास को अटेंड कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरी प्रोमो कोड आदर्श बर्णवाल को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलें। आपकी डेट सीट ये क्लास 12th की डेट सीट है, इसमें आप सामने में देख सकते हो, एक तरफ आप लोगों का डेट और टाइमिंग दिया गया है, मतलब दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रही है। एक है पहला शिफ्ट जो कि हमारा 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का होने वाला है और दूसरा शिफ्ट जो कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे का होने वाला है। एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी 4th मई से। पहला एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए इंग्लिश का होने वाला है जो कि 4th मई को होगा। उसके बाद दूसरा एग्जामिनेशन जो आपका होगा यार 5th मई को होने वाला है जो कि म्यूजिकल वोकल का होगा आप लोगों का। और बाकी भी दिनों में हो रहा है एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, बट मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बोलूँगा जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, मतलब 95% बच्चे लेते हैं। आपके हिसाब से अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको मैं मिस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे पॉज करके फिर देख लेना, है ना। 6th मई को जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो रही है, जैसे नेपाली है, फाइनेंशियल मार्केट्स, ETC। 8th मई को होने वाला है जिन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन की एग्जामिनेशन देनी है, 8th मई को उनकी फिजिकल एजुकेशन की एग्जामिनेशन होने वाली है। उसके बाद एग्जामिनेशन 13th मई को होने वाली है फिजिक्स की, 13 तारीख को, 8 तारीख को फिजिकल एजुकेशन, 13 तारीख को आपके लिए होने वाला है फिजिक्स की एग्जामिनेशन। उसके बाद डायरेक्ट 18 तारीख को आप लोगों के लिए होने वाला है केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन, 18 तारीख को आप लोगों के लिए होने वाला है केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन। उसके बाद 22 तारीख को आप लोगों के लिए होने वाला है पेंटिंग की एग्जामिनेशन, तो 22 तारीख को है आपकी पेंटिंग की एग्जामिनेशन। उसके बाद 24 मई को होने वाला है आप लोगों के लिए बायोलॉजी की एग्जामिनेशन, 24 मई को होगी बायोलॉजी की, 29 मई को होगी आपकी जो जिन बच्चों ने IP लिया हुआ, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या फिर कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों ने लिया है उनकी एग्जामिनेशन 29th मई को होने वाली है। 31 मई को होगी आपकी हिंदी की एग्जामिनेशन, जिन बच्चों ने हिंदी लिया है उनकी 31 मई को हिंदी की एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद 1 जून को होगा आपका मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन, 1 जून को आपका मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। और बाकी फिर और जो सब्जेक्ट्स, अगर एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट्स हैं आपके जैसे साइकोलॉजी, होम साइंस या और भी कोई अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, एक बार अगर आप चाहें तो पॉज करके वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात यार, जैसे कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों को 15 मिनट पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है और एग्जामिनेशन टाइमिंग बता दिया गया है कि कब आप लोगों की एग्जामिनेशन वो स्टार्ट होने वाली है। अब हम लोग थोड़ा सा 10th के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये रही यार आपकी 10th की मार्कशीट, सॉरी डेट सीट, इनफैक्ट मैं कहूँ तो मार्कशीट नहीं है, डेट सीट है। और इसे हम लोग, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपके हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसे आप प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा 10th के जो स्टूडेंट वो हमारे पास सब्सक्राइबर वो है नहीं, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आपकी जो सब्जेक्ट लगे उसे आप देख लेना। जैसे कि साइंस की एग्जामिनेशन 15 मई को दी गई है, पेंटिंग की है 17 मई को, पेंटिंग की एग्जामिनेशन होने वाली है। जिन बच्चों ने म्यूजिक ले रखा है 10th में उनकी 18 मई को एग्जामिनेशन होने वाली है। उसके बाद मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी 21 मई को एग्जामिनेशन होने वाली है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जिसकी तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, वो 25 मई को होने वाली है। सोशल साइंस बहुत सारे बच्चों के पास सिलेबस में होगी, वो 27 मई को सोशल साइंस होगी। जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट IT ले रखा है तो उन बच्चों की एग्जामिनेशन 29 मई को होने वाली है, है ना। उसके बाद संस्कृत, संस्कृत एक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत सारे बच्चे संस्कृत लेते हैं, तो 2 जून को आपकी संस्कृत की एग्जामिनेशन होने वाली है, है ना। तो यही थी यार आपकी डेट सीट, इस डेट सीट के हिसाब से आप देख लें कि आपकी कब कब कौन कौन सी एग्जामिनेशन वो होने वाली है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।